सीतामढ़ी क्षेत्र में 25 वर्षीय युवती को शादी के सपने दिखाकर उसे दुष्कर्म करने वाले 35 वर्षीय आरोपी चंद्रकुमार लिंबाजी कापकते के खिलाफ सीतामढ़ी थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पीड़िता से 2019 में तब मुलाकात हुई थी जब वह युवती के गांव में खेती का काम करता था। आरोपी की पीड़िता से वर्ष 2019 में तब मुलाकात हुई जब वह युवती के गाँव में खेती के काम करता था। पीड़ित के अनुसार वह नागपुर में नौकरी करती है। वर्ष 2019 में आरोपी ने उससे दोस्ती की, पश्चात शादी करने के सपने दिखाकर उसने कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। एक 25 वर्षीय पीड़ित महिला है, ती सक्करकर हद्दीत राहते आणि दंतोली हद्दीत तालुक्यामध्ये काम करते। ती मूळची कुरखेडा येथील रहिवासी आहे आणि तिच्या गावात एक चंद्रकुमार कापगते नावाचा व्यक्ती राहायचा। तो तिथे शेती करायला आला होता, त्याची तिच्यासोबत ओळखी झाली। ओळखीनंतर त्यांचं वारंवार फोनवर बोलणं झालं। एक दिवस तो नागपूरला आला आणि तिला बर्डीवर भेटला। बर्डीला भेटल्यानंतर तो तिला हॉटेल जयसन्स येथे घेऊन गेला व तिथे त्याने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यासोबत रिलेशनशिप ठेवली। त्यानंतर त्याने तिचा चोरून व्हिडिओ काढून घेतला होता। त्यानंतर 2020 मुलगी जो आपल्या गावाला गेली तेव्हा तिला माहीत पडले की चंद्रकुमार कापगतेचं लग्न झालं आहे। त्यानंतर तिचं बोलणं कमी झालं, परंतु तो तिचा व्हिडिओ व्हायरल करेल अशी धमकी देत होता। त्यानंतर त्यांनी 2021 तिच्यासोबत व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन त्यासोबत पुन्हा शारीरिक संबंध निर्माण केले होते। आणि 2021 त्यांनी तिच्या भावाला एक व्हिडिओ पाठवला, त्यामुळे फिर्यादीने व्हिडिओ पाठवला तिच्यासोबत संबंधाचा। त्यानंतर फिर्यादीने पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली आहे। सध्या आरोपीचा शोध नाही, आरोपीवर यापूर्वी हा एकच गुन्हा दाखल आहे। शादी की बात करने पर वह बात टाल देता था। इस बीच आरोपी ने शादी कर ली। जब आरोपी दूरी बनाने लगा तब आरोपी की शादी होने की बात पता चली। युवती ने आरोपी के खिलाफ 10 जनवरी को सीतामढ़ी थाने में शिकायत दर्ज की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।